अभी पाकिस्तान चले जाओ, क्यों नहीं चले आते पाकिस्तान, है ना? श्रीलंका चले जाओ, ज्यादा महंगाई लग रही है, भिजवा दो। गवर्नमेंट में दम है, हमें को भिजवाओ। अरे गवर्नमेंट तो भिजवाई रही है, भिजवाई रही है सबको। कैसी बातें करते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, चले जाओ। महंगाई किस लिए बढ़ रही है, सुन लो, महंगाई किस लिए बढ़ रही है? ये पिछले की सरकार ने पूरा खजाना खाली कर रखा था और उसको कहीं से जितनी, लेकिन कह रहे कि पहले कर्जा कम था, अब ज्यादा बढ़ गया कर्जा, विदेशी कर्जा। मनमोहन सिंह ने 40 टन सोना गिरवी रखवा दिया था देश का। कहां की बात, जितनी भी सब्जी मंडी है ना, जितनी भी वजीरपुर हो गया, लेकिन उसके बाद इकोनॉमी में बढ़ोतरी तो आई ना। क्या करा इन्होंने 10 साल में, क्या नहीं करा यही बता दो। जितनी भी मंडियां हैं सब में मोमडन का कब्जा है। किसी मंडी में चले आओ, गाजीपुर चले आओ, नवीन चले आओ, कहीं पर चले आओ। हमारा यहाँ पे मुद्दा धार्मिक नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जब भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं उस वक्त ये सब्जियों के रेट बढ़ा देते हैं। नवरात्रे आएंगे, केले के 100-150 रुपए करे सड़े हुए केले। कमजोर है कोई नहीं, सरकार कमजोर नहीं है, ये पिछली सरकार थी ना, पिछली सरकार घोटाले बढ़ा दो करे। अब मोदी तो अब आया ना भाई, सरकार का सारा कंट्रोल है, तो खाली वही फोर मचा रहे। रेट कैसे बढ़ जाते हैं, आप ही कह रहे हो, रेट कैसे बढ़ जाते हैं सारे? तुमने वहाँ पे पिछली सरकार ने सारे मोमडन बता रखे, वो कितने परसेंट मोमडन नहीं है इंडिया में? नहीं देखो, सारे जितने भी रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफार्म नंबर 2 के अंदर किसने मस्जिद बनवा दी? सराय कालेखा बस अड्डे के अंदर किसने मस्जिद बनवा दी? सीमापुरी में सारी की सारी मस्जिद है, 20 सड़क में क्यों ना करे? देखिए सुनिए, हमारा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। अभी हमने धर्म को, धार्मिक मुद्दे को साइड में रखा हुआ है, हम बात करें महंगाई बेरोजगारी को लेके कि हुई है कि नहीं। अभी कोई नहीं है, महंगाई कंट्रोल में है, ठीक है, 20 रुपए किलो मिला। जनता देख रही है इनको, महंगाई लगती रही है। राज में धनिया पुदीना 400 रुपए किलो था, धनिया पुदीना, मिर्चें इतनी महंगी थी। शीला दीक्षित ने मंडियों में 40 रुपए का वाला प्याज बेचता है, मंडियों में जाकर के लेना पड़ता है, 20 रुपए खर्चा लगा अपना और वहाँ पे जा, वो सड़ा हुआ प्याज 10 साल में क्या नहीं करा बताओ? आज सुरक्षित है, पहले बसों में लिखा होता था कि अपनी सीट के नीचे देख ले, बम्बई की नहीं है, आज कहीं पे लिखा हुआ है? पहले कनॉट प्लेस में, सरोज नगर मार्केट में, INA मार्केट में, करोल बाग में, कहाँ पे दंगे नहीं होते थे? गरीबी बेरोजगारी की बात हो रही है। गरीब कौन है, कौन है गरीब बताओ? देख लो ये देश की जनता, चल लगा इसको, कौन सा गरीब है भाई? कह रहे ये वो गरीब है जो मोबाइल तो लेंगे 20,000 का मोबाइल लेकर के और बाइक में आकर के लगातार मत बोलो। इसका मतलब ये सरकार जो 81 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, घोटाला कर रही है ना? जवाब दो। जो 80 किलो राशन दे रही है 80 करोड़ को, पहले राशन सड़ता था गोदामों में, अब राशन नहीं सड़ता, वही सरकार दे रही, तो उनको परेशानी क्या? कांग्रेस के राज में ना बारिश में अनाज सड़ जाता था, आज कम से कम किसी का मिल तो रहा है। ये कांग्रेसी लोग हैं, गुरुआ करते हैं, भरम फैलाते हैं दूसरों को, क्योंकि इनको झंडे उठाने के ना 200 रुपए मिलते हैं, वो इनको अब नहीं मिल रहे। राहुल गांधी के पीछे खड़े होते थे, इनको 200 रुपए मिलते हैं। देखो पहले तो अनाज सड़ जाता था मंडियों में, अब तो मिल तो रहा है कम से कम। मणिपुर में सरकार, मणिपुर में सरकार फेल होगी डबल इंजन की, उत्तराखंड में फेल होगी, दंगे हो गए, सबको साइड में लगा। ये तो कश्मीर को भी कहते थे कश्मीर फेल है, आज कश्मीर में लाल चौक में भाई साहब तुम खड़े जाओ, बंदूकें चल जाती थी, गोलियां चल जाती थी, लोगों को मारते थे, आज तिरंगा चल रहा है। सिंपल सी बात है, 370 हट गया है, इनके भाई साहब के छाती पे सांप लौट रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि, देखिए सोच रहे हैं कि पहले के सर के बंदूक क्यों नहीं चल रही है, देखो पत्थर क्यों नहीं बज रहे अभी, ठीक है 370 अच्छा हुआ 370 निकलवा लो, गवर्नमेंट का डाटा है, एक साल फर्जी डाटा। देखिए रोज न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में डेली आता है कि वहाँ पे जवान अभी भी शहीद होते हैं। पहले नहीं होते थे, मैं पहले भी होते थे, कम हुए हैं, देखिए बात मानिए कम हुए, एक ही सरकार एक ही बार लिखवा लो, गवर्नमेंट से पूछ लो, राहुल गांधी फर्जी लोग हैं, चमचे गुलाम हैं। देखिए सुनिए सुनिए, सरकार जिसकी होगी डेटा उसका होगा, फर्जी डेटा नहीं हो सकता है। देखो पावर जिसके पास होगी डेटा वो जारी करेगा ना, अपोजिशन वाले डेटा कहाँ से जारी करेंगे? सुनो इनसे पूछो, मनमोहन सिंह के राज में हेमराज हमारा फौजी जवान, उसकी गर्दन काट के ले गए, फुटबॉल खेले थे बैट वाले, इनसे पूछो तब क्यों नहीं इन्होंने जवाब करा? प्रधानमंत्री था कि आतंकवादियों को बैठा के पीएम में 26 लोग शहीद हो गए, हमारे जवान 26 शहीद हो गए एक साल में, गवर्नमेंट का डाटा। जवाब दिया ये इमरान खान के पैर कांप रहे थे, हमला हुआ है कोई वैसे नहीं आतंक, अभी तो एक मजदूर मारा कल परसों छत्तीसगढ़ का,
फिर कहां से आतंकवाद खत्म हो गया? वो भी आतंकवाद 2014 से पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ये असुरों का राज हो गया है 2014 के बाद, ये सर का कहना है। ये इससे पहले अमन राज्य था, अमन राज्य। देखिए मैं तो कह रहा हूँ भगवान राम आ गए ना, अब जो भी लोग अपने अपने आप को रावण और बाली समझते हैं ना, उनका तो अंत करके जाएंगे भाई। राम के राज में दूध दही घी की नदियां बहती थी। अब ये रावण का राज था 70 साल से, दारू चरस गांजा ये सब मिलता था, इनको ऐसा राज चाहिए क्या? ये है ना, दिक्कत है सर की, दिक्कत है यही। ये लोगों को राम से नफरत है और ये यहाँ पे तो राम के बुराई करेंगे। अयोध्या में जाकर राम की बुराई कर रहा हूँ, रावण का अंत नहीं करेंगे वो। जिस देश में बुराई है उसका अंत नहीं करेंगे। अयोध्या में रावण और बाली खाना खाते हैं लंच में, रावण और बाली का अंत होना चाहिए ना, जो घमंडी है बोलो नहीं होना चाहिए। करा है ना, जिसने भी करा है, जिनको ही वजह से। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि रावण बलि का अंत होना चाहिए, अंत होना चाहिए। जय श्री राम, हम तो राम की करते हैं ना, बोलो ना जय श्री राम। मैं तो कह रहा हूँ जय श्री राम। जो भी घमंडी रावण का रूप धरे हुए हैं इस देश में और बाली का रूप, उनका अंत करो राम जी। बिल्कुल कर तो रहे। देखिए मुद्दा था महंगाई, हम कहाँ चले गए धर्म पे, हम कहाँ चले गए राम, सब चीजें। अगर महंगाई कंट्रोल में है तो महंगाई कंट्रोल में, महंगाई कहीं नहीं है। जिसको महंगाई लग रही है पाकिस्तान चले जाओ, क्यों नहीं चले? पाकिस्तान क्यों जाएंगे, अपने देश को छोड़ जाएंगे? जब तुम्हें लग रहा है कि पहले सही था तो वहाँ पे जाओ। देखिए आपका, देखिए आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है? क्या चीज आपके अकाउंट में कितना बैलेंस? आप कह रहे हैं ना महंगाई नहीं है। नहीं, मेरी कोई इतनी सैलरी नहीं है, मेरे अकाउंट में ठीक बैलेंस। आप काम क्या करते हैं? मैं गिटार टीचर हूँ, म्यूजिक टीचर हूँ। म्यूजिक टीचर है। अच्छा, आप कॉमन आदमी की जिंदगी का जायजा लिया कभी? जब काम धंधा नहीं करोगे तो 1000 रुपए ही रहेगा यार। अच्छा, काम भी तो मिलना चाहिए ना करने के लिए, रोजगार के अवसर भी तो होने चाहिए। देखो रोजगार की कहाँ पे अवसर नहीं है ये बताओ। देखो अफगानिस्तान से, बर्मा से, और ये जितने भी निग्रो कंट्री है अफ्रीका, अरे सुन तो लो यार पहले, वहाँ से लोग आके यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं। आप वहाँ पे चले जाओ ये भोगल में और लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में, वहाँ पे सारे अफगानी रोजगार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे देश में रोजगार नहीं है, हम यहाँ पे रोजगार, वो इतनी दूर से यहाँ पे रोजगार करने आ रही है, कह रहे हैं यहाँ पे रोजगार नहीं है। अरे भाई रोजगार नहीं है तुम्हारे को, तुम्हारी देश में रोजगार नहीं मिल रहा, यानी कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। तुम्हारे को कुछ आता हो तो रोजगार नहीं भाई, तुम्हें काम रोजगार नहीं। मैं रोजगार पे बात कर रहा हूँ सर, अपना गूगल करके देखिएगा पर कैपिटा इनकम। सर सुनिए ना सर, अच्छा बोलते हैं, दो मिनट सुन लीजिए। पर कैपिटा इनकम में भारत अभी भी 140वें नंबर पर है। देश की जनता तो देख रही है कौन मूर्ख है, कौन गांधी मूर्ख है। चलो ठीक है।